अच्छा इस वेरी सिंपल, इसलिए कि खतरा तो पाकिस्तान को है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि जो 100 किलोमीटर हमारा चीन के साथ बॉर्डर बहुत छोटा है, इतना सा है 100 किलोमीटर, इसको काट दिया जाए। और उन्होंने एक पूरी बात उसको क्या कहेंगे, रेजिमेंट कहेंगे क्या कहेंगे, 700 आदमी ट्रेंड किए हैं सबोटाज करने के लिए। अच्छा मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? भारत के पास तकरीबन 650 अरब डॉलर के गैर मुल्की जर मबादला के जखायर हैं, आपके पास 9 अरब डॉलर के हैं जिसमें से आपने 17 अरब डॉलर वापस करना है। हुकूमत और तजर्बेकार हुकूमत के 55 दिन गुजर गए हैं और इन 55 दिनों में मुल्क ने माशाल्लाह दिन दुगनी और रात चुगनी कितनी तरक्की की है। गरीब अवाम पर एहसान कर दिया इन्होंने और वजीर अजम साहब मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं कि जो 2000 रुपए हैं ये कसीर रकम यहाँ खर्च करें, वहाँ खर्च करें, यहाँ लगाएं, वहाँ लगाएं। इंडिया की पॉलिसी है इनसर्कलमेंट की पॉलिसी, इनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू अफगानिस्तान एंड थ्रू ईरान। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब के लेंस से देखें तो बेसिकली वो समझते हैं कि ये जो सीज होगा पाकिस्तान का या पाकिस्तान की फोर्टिफाइड करना या घेरना जो है, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पीओके लेने के लिए भारत ने एक खास सेना की गठन की है। दोस्तों इस न्यूज के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया। और दोस्तों जब अगर पाकिस्तानी चाचा की बात की जाए तो आपको पता होगा कि उनकी जो तजिया होता है वो कितना ही ज़्यादा कॉमेडियन और कितना ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। दोस्तों इस वीडियो के इंट्रो में जैसा कि आपने देखा कि जो पाकिस्तानी चाचा है उनका ये कहना है कि हमारी जो सरहद है वो चाइना से बहुत कम मिलती है, बल्कि ना के बराबर मिलती है। और वही अगर भारत की बात की जाए तो भारत के साथ बहुत ज़्यादा मिलती है और ये सच्चाई भी है। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा मतलब एक मुस्तैद रहना चाहिए कि इंडियन आर्मी जो है वो कुछ ना कर सके, ऐसा पाकिस्तानी चाचा का पाकिस्तानी आर्मी का कहना है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो कि अभी अपने अंदर ही फंसी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से बाजवा जो पाकिस्तानी आर्मी है वो दो धड़ों में बट चुकी है, एक बाजवा और दूसरा जो हमीद है उसके दोनों के बीच में बढ़ चुकी है। उसमें ये तो साफ पता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसका कॉन्ट्रेशन जो है वो अब पाकिस्तानी बॉर्डर ना होकर खुद अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की मईसत चल रही है उन सब चीज़ों को भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आज इस स्थिति में नहीं रहा है कि वो भारत की तरफ आंख उठा के देखे। तो दोस्तों पहले चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। बिलियन डॉलर का तो इंडियंस भी खरीद चुके हैं और खरीदते जा रहे हैं, हम नहीं खरीद सकते। क्या काय नामदार जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, भाई उनसे कहो अल्लाह के बंदो हम मर रहे हैं, हमारे घरों में बिजली नहीं है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, हम कंपीट नहीं कर सकेंगे, 50% बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ी है तो कैसे हम कर सकेंगे मुतम्मल इसके एलएनजी हमें चाहिए ट्रैक्टर। इस सियासत ने मुल्क की मईशत बर्बाद की है। अगर हुकूमत बदलनी थी उसको इस तरह बदलते, अगर बदलनी ही थी तैयार कर लिया था, इन्हें हम रोक तो नहीं सकते, पाकिस्तानी अवाम तो लाचार हैं, इस तरह बदलते क्योंकि कोई मामला करते हैं अमरीका से, मसलन उनसे गारंटी लेते हैं कि FATF से बाहर निकाल देंगे, IMF की सर्टिफिकेशन बनवाते, उनसे कहते कि IMF से कहें कि हमें $1-2 billion दे दें, वो दे देते तो आपको सऊदी अरब दे देता, आपको अमरीका दे देता, चीन देता, UAE देता। IMF से मुतालिक जिन इकदामात के हवाले से मौजूदा हुकूमत की बात कर रही थी, अगर वो इकदामात ना उठाए गए तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। बावजूद ये कि वो इकदामात उठाए जा रहे हैं, टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है, कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी संभाला नहीं हो पा रहा। उनके अंदर वो समझता है कि चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात में पोटेंशियल है भी और नहीं भी है। पोटेंशियल क्यों इशू पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज वी आर नॉट दैट एक्टिव एंड स्मार्ट टू गेट क्लोजर विद द चाइनीज, बिकॉज हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमने CPAC को भी ऑलमोस्ट गवा दिया। खैर एक बात, दूसरा उनको पता है कि एक तरफ इंडिया खुद है, दूसरी तरफ दो नेबर आ जाते हैं अफगानिस्तान एंड ईरान, ठीक है। तो $2 billion यहां मीडिया में खबरें छपवाई जा रही है, चीनियों ने $2 billion की पेशकश की। हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, ना ना अखबार में छपा है, बहुत बड़े अखबार में छपा है, पेशकश की। पेशकश की तो दे क्यों नहीं, कोई पेशकश करता है तो देता है ना। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा 2 अरब नहीं 2 अरब 40 करोड़, असल में तो इन्होंने मांगे। अब वो चीनियों का ये तरीका नहीं है कि वो किसी की मजम्मत करें, खासतौर पर एक दोस्त मुल्क की, उस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी। आप वो कोई सर्टिफिकेशन के लिए तैयार नहीं, पैसे ना दें दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, प्रैक्टिकली
डिफॉल्ट हो चुका है, आप सऊदी अरब के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है, चीन के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है, अब वो चूंकि आपके दोस्त मुल्क हैं, आपके नाजुक सूरत हाल को साथ है, वो आपसे मांग नहीं रहे पैसे। अगर अमेरिका होता तो अमेरिकी मीडिया ने आसमान सर पे उठाया होता, बचा दिया अहमियत। ठीक है, ठीक। हारून साहब, हमारी सियासत में जिस तरह से चाइना की बात होती है आलमी सतह पर, उसी तरह से रशिया के हवाले से भी बात होती है, जैसे गुफ्तगू में आपने अफगानिस्तान रशिया की बात की। रूसी सफीर ने जो इंटरव्यू दिया हारून साहब, वो इंटरव्यू से ज्यादा खतरनाक उसमें बातें इतनी हैं, जिसमें एग्रीमेंट के हवाले से बात हुई इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के जाने या। लेकिन चीनी मीडिया में तो उस तरह का मीडिया भी नहीं है, वो तो कोई बात नहीं हमारे खिलाफ लिखी जा रही है, हालांकि उन्हें बहुत सी शिकायत है, मैं अर्ज करता हूँ, और न सऊदी मीडिया में। बस शाम में छोटा सा जलजला आया था, मुझे आज तक याद है, अर्ली 70s में $1 बिलियन भेजे थे सऊदी अरब ने, वो एक अलग किस्सा है कि वो भुट्टो साहब ने गायब ही कर दिए, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नाम पे तो गायब ही हो गए, जिसको बड़ा ईमानदार आदमी कहते हैं, उसकी कब तक भी तफसील आपको बताऊंगा। अच्छा, चीन इसरार कर रहे थे कि ये जो $8 बिलियन है ना, $1 बिलियन रोके हुए अफगानिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने इस पर चुप साध दी, शेरशाह सूरी साहब इस पर खामोश हो गए। तो रूस और चीन ये मुकदमा क्यों लड़े, मुद्दे ही सुस्त और गवाह चुस्त तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं होता कि वो ये दर्रा खंजराब या सुस्त का जो बॉर्डर है जी, ये इस इलाके में, तो वो प्रवीण स्वामी कहता है कि जंग को तो एक मुल्क से तो नहीं होगी, होगी तो फिर दोनों से होगी, पाकिस्तान और अपना चीन से, इसलिए कि चीन जो है वो इसकी लोग समझते नहीं है, सीपेक को एक तजारती राहदारी कहते हैं, तजारती राहदारी नहीं है ये, इसकी दिफाई अहमियत है, इसकी तजारती अहमियत है, इसकी सियासी अहमियत है, इसकी माशी अहमियत है। लेटर ले लें, 150 ले लें, 200 ले लें, ठीक है 300 ले, कोई ना कोई मेयार पैमाना मुकर करना पड़ेगा। एक जो लोग जो यूं सैर करते फिरते हैं, मरी जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो वो अपना जो है बस पे चले जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी चाचा जो है वो भड़क चुके हैं, और उनका ये कहना है कि अगर हमारी आर्मी जो है वो भारत की चालबाजियों को नहीं समझती है, तो पाकिस्तान, जो कि इमरान खान खुद ये कह चुका है कि पाकिस्तान जो है वो 4 टुकड़ों में टूट जाएगा, ये सही होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि हमने पाकिस्तान को कटोरा लेके घूमने पे मजबूर कर दिया था, ऐसा उन्होंने यही इसीलिए कहा था कि हमें अब पीओके के लिए, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको अपनी ओर लेने के लिए हमें अब पाकिस्तान से लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तान को मईसत के तौर पर इतना तोड़ देंगे कि पाकिस्तान जो है वो खुद ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वो खुद बोलेगा कि आप आके पीओके ले जाइए, क्योंकि उसके पास संभालने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और आज जो है वही हालात जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जो अभी बजट आया उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको थोड़ा बहुत बजट मिलता था, अब उसमें भी कटौती कर ली गई है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही, और आप अपने कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल INL न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए देखते रहिए INL न्यूज़।